गोधन न्याय योजना के तहत राजनांदगांव में गोबर खरीदी की जोर शोर से शुरुआत हुई है, लेकिन महज कुछ महीनों बाद ही गोबर खरीदी के लिए शहर में संचालित 12 में से 8 सेंटरों को बंद कर दिया गया है। गोबर खरीदी बंद होने के बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और नाराज पशुपालकों ने इंदिरा नगर चौक में चक्का जाम कर दिया। पशुपालक गोबर सड़क पर ही उड़ेल कर नारेबाजी करने लगे। करीब 1.5 घंटे चले हंगामे के बाद अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझाइश दी, जिसके बाद मामला शांत हुआ और पशुपालकों ने रास्ता छोड़ दिया। गोबर डालते थे जब से खरीदी किया है, उसके बाद अभी नहीं लेना रहा, चाह रहा है तो फिर हम क्या करें, मुहारा नहीं जा पाएंगे, इसलिए हम लोग इसके कारण से सब दुरुपयोग कर रहे हैं और यही डालना है हमको इंदिरा नगर सेंटर में। वहाँ तकलीफ हो रहा है, उत्तर दूर नहीं जा पाएंगे। अगर लेना था तो यही शुरू से ले, या तो फिर कहीं नहीं लेना था, शुरू ही नहीं करना था। टोटल चारों सेंटर भी बंद होना चाहिए। अभी क्या कर सब हम बैठे हैं, रोड में डाला था, नहीं लेने कहा था सेंटर, चार महीना पहले ले से सेंटर वाले, अब तो नहीं लेते ना, नहीं लेते तो हम कहाँ मुहारा जाबो। इंद्रनगर के निवासी जो गोबर विक्रय करते थे, उनकी मांग थी कि पहले अस्थायी रूप से वहाँ पर विक्रय केंद्र बनाया गया था, क्योंकि अभी निकम्बर उसको हटा दिया गया है, कुछ सेंटरों पर ही खरीदी की जा रही है। उनको मुहारा खरीदी केंद्र ले जाने के में विक्रय करने के लिए कहा गया, मगर उनका मांग है कि हमारे पर जहाँ से पहले खरीदा जा रहा था वहीं पर खरीदा जाए, हम उतने दूर नहीं ले जाएंगे। इसको लेकर के उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने प्रशासन के पास कभी इस चीज संबंध में अपना अवगत भी नहीं कराया था और अचानक विरोध समर्थन करते हुए तुरंत चक्का जाम किया गया, जो कि ठीक नहीं है। जिस संबंध में उनको बताया गया कि ऐसा नहीं करना है, यदि आप कुछ समस्याएं हैं तो पहले कम से कम प्रशासन के पास आकर के उन चीज़ों के बारे में अवगत कराएं। तो इस संबंध में निगम को भी निर्देशित किया गया कि क्या हो सकता है और क्या किस तरीके से किया जा सकता है, उस पर अपना क्लियर करें।